Sensors in the phone monitor the audio around your baby and send an alert if it hears crying. Sensors in the phone monitor the audio around your baby and send an alert if it hears crying. कुछ दिखा आपको? नहीं ना? तो यार अभी जो आपने क्लिप देखी ये एक वीडियो से ली गई है. सैमसंग ने एक दो दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जो कि कुछ 3.5 मिनट की थी, जिसमें सैमसंग ने बड़ी चालाकी से एनवायरनमेंट और अपसाइक्लिंग का बहाना बना के ये कहने की कोशिश की कि गैलेक्सी S21 सीरीज़ के फ़ोन के बॉक्स के साथ आपको चार्जर ईयरप्लग इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सैमसंग एनवायरनमेंट को सेफ रखना चाहता है. ऐसा ही कुछ एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज़ के साथ किया था. मतलब आप बताओ, चार्जर या ईयरप्लग से एनवायरनमेंट सेफ होता है क्या? खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं. इस वीडियो क्लिप में सैमसंग ने एक फ़ोन शो किया जिसमें ना तो कोई नॉच था और ना ही कोई पंच होल कैमरा. ये फ़ोन शायद सैमसंग का पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला फ़ोन हो सकता है. सैमसंग काफ़ी टाइम से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, बट अब 2021 में हमें ये फ़ोन देखने को मिल सकता है. ये फ़ोन शायद सैमसंग का अपकमिंग नोट सीरीज़ वाला नोट 21 हो सकता है. इस फुल वीडियो के 2 मिनट 23 सेकंड पे ये फ़ोन नज़र आता है जिसमें एक पर्पल कलर का वॉलपेपर भी लगा है. सैमसंग का नोट 21 इस साल अगस्त मंथ के आसपास लॉन्च हो सकता है और इस डिवाइस में बॉक्सी लुक के साथ थोड़े थोड़े राउंडेड कॉर्नर होंगे. लुक वाइज तो ये फ़ोन थोड़ा थोड़ा नोट 20 अल्ट्रा जैसा लग रहा है, बाकी देखो सैमसंग क्या अलग करता है इस फ़ोन में. अगर ये फ़ोन लॉन्च होता है तो ये बन जाएगा सैमसंग की तरफ से आने वाला पहला अंडर डिस्प्ले कैमरे वाला फ़ोन. लास्ट वीक सैमसंग का एक 65 वाट का चार्जर देखा गया. शायद ये चार्जर नोट 21 अल्ट्रा के साथ आ सकता है. वैसे गैलेक्सी S21 सीरीज़ में हमें सिर्फ 25 वाट का जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा. सैमसंग के S21 सीरीज़ में क्वालकॉम का सेकेंड जनरेशन 3D सोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा होगा. क्वालकॉम के अकॉर्डिंग इसका जो फिंगरप्रिंट रीडर एरिया है वो 77% बड़ा होगा. ये 1.7 टाइम ज़्यादा बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करता है और ये पुराने फिंगरप्रिंट स्कैनर से 50% फास्टर होने वाला है. मतलब जस्ट टैप करो और फ़ोन अनलॉक. तो यार ये थी कुछ अपडेट्स. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा.